ऐसे किसी घटना को। आज की घटना के बारे में अभी दरअसल में बायसी की स्थिति और डगरवा की स्थिति, अमोर की स्थिति बहुत ही भयावह रही। बीच में लगातार इस जिस तरीके से महानंदा ने अपना तांडव दिखाया, कोई घर और इलाका बाकी नहीं है। अभी जस्ट बायसी के ही ग्वालगांव का इलाके का दौरा करते हुए अरुण यादव जी के यहां से लौट रहे थे और मुझे लग रहा है कि एट्रेनम शाम से पानी परमार का बढ़ा, परवान के पानी बढ़ने के चलते लोगों को बहुत समझ में नहीं आई, लगातार पानी बढ़ रही है उधर बकरा का इधर परमान का। तो लौटने के क्रम में लगा कि नदी नौ में पानी आधा भर चुका और फिर परिस्थिति ऐसी हुई कि बहुत सूझबूझ के साथ गांव के लोगों ने, सभी लोगों ने किसी तरह के अन्यथा एक से दो सेकंड, चार पांच सेकंड के अंदर कोई भी नौ पे नहीं बच पाता। स्थिति काफी भयावह और कुछ दिन पूर्व भी, एक सप्ताह पूर्व भी वहां के पुल को तोड़ दिया गया था और उसी पुल के बीच में ही नौ का पानी में आधा पानी लेना, या शायद शुक्रगुजार हैं परमात्मा के सभी लोगों के दुआ के कि आज सभी लोग सुरक्षित निकल गए, किसी को कुछ जान माल की नहीं हुई। लेकिन हालात बदतर हैं, सरकार को चाहिए थी कि हर घर और परिवार के इस इलाके में लगान को मुक्त कर देने की, साथ साथ सरकार को चाहिए थी कि किसी भी परिस्थिति में तीन महीना कच्चा राशन दे करके, 25,000 रुपया दे करके आम आदमी के जीवन को किसी तरह वो जी सके। हालात बहुत बदतर।